श्री राधे हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? अमावस्या की तिथि एक ऐसी तिथि है जो अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हमारे ऊपर शनि का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, अमावस्या की तिथि के कुछ ऐसे विशेष उपाय पूज्य गुरुदेव जी ने बताए हैं जिन्हें करने से ग्रह के प्रभाव हमारे ऊपर अत्यंत कम हो जाते हैं, जिससे कि हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, घर में बिना बात की कलेश नहीं रहती और खुशियों का प्रभाव बना रहता है। ऐसा ही एक उपाय आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। लेकिन उस उपाय को बताने से पहले, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और यदि जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो इस उपाय को करने के लिए हमें अमावस्या तिथि का होना बहुत अनिवार्य है, और यह अमावस्या तिथि 17 और 18 दोनों ही दिन होगी। इसलिए इसे आप या तो आज शाम को करें या कल शाम को अवश्य कर लें। करना क्या है और इसके लिए हमें आवश्यकता होगी? 7 लौंग। जी हाँ, 7 लौंग की आवश्यकता होगी। उसके बाद आवश्यकता होगी हमें काले तिल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी। एक चुटकी में जितने भी काले तिल आए उतने हमारे लिए पूजा के लिए काफ़ी होंगे। उसके बाद आवश्यकता होगी हमें काली मिर्च की। जी हाँ, ये भी काली मिर्च हमें एक चुटकी में लेनी है, चाहे वो 2, 4, 6 जितनी भी मात्रा में आए। और यह सामान लेकर हमें पहुँच जाना है अपने शिव मंदिर। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब हमें महादेव की पूरी पूजा अर्चना वंदना करने के बाद, जो महादेव के मंदिर की यह चौखट होती है, इस चौखट पर हमें अपने वो 7 लौंग के टुकड़े, काली मिर्च और काले तिल समर्पित कर देने हैं। आंखें बंद करके भोलेनाथ से अपनी कामना बोलनी है, और देखते ही देखते यह वो चमत्कार है जिसे आप महसूस करेंगे। आपको देखते ही देखते वह चमत्कार होगा जिसे आप मन से महसूस करेंगे, पर उसके लिए विश्वास का होना अति अनिवार्य है। मात्र हफ्ते में एक बार करेंगे और आपका परिवार हमेशा हमेशा खुश रहेगा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। श्री राधे हर हर महादेव।